दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं योगेश इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ। आप अगर किसी वीडियो फाइल की अगर साइज़ कम करना चाहते हैं, जैसे कि कोई मूवी होता है 1 GB का, या कोई आपके DSLR में शूट किया गया वीडियो या आपके मोबाइल में शूट किया गया वीडियो, कभी कभी उसकी साइज़ चली जाती है 1 GB से ऊपर, तो उस वीडियो के आप साइज़ कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं 1 GB की फाइल अगर 200 MB की हो जाए तो किस तरीके से आप उसकी साइज़ कम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, आप गूगल पे जाओ, यहाँ पर आप सर्च करना है हैंड ब्रेक। ठीक है, हैंड ब्रेक पर जैसे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जैसे कि जिसका नाम है हैंड ब्रेक। सिंपली यहाँ पर कर दीजिए, उसके बाद में यह डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में यह डाउनलोड होने के बाद सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है आपको। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा, सिंपली इसे हम ओपन करते हैं। जैसे हम इसे ओपन करते हैं, उसके बाद कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म शो होगा। उसके बाद में सिंपली आपको फाइल पर क्लिक करना है। आपकी जो भी फाइल है, सिंपली उस फाइल को आप ओपन कर लीजिए। यहाँ से मैं यहाँ पर कोई भी एक वीडियो चॉइस कर लेता हूँ। सिंपली मैंने एक वीडियो चॉइस किया है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर हैं, तो यहाँ से इसकी साइज़ भी आप कम कर सकते हैं फ़िल्टर। उसके बाद में यहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि इसकी साइज़ कम हो, तो यहाँ से आप साइज़ भी कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखा जाकर जाए तो इसकी यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर लगे हुए हैं, तो आप कस्टम भी चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी साइज़ अब हम चेंज करने वाले हैं, जैसे कि 280। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी साइज़ इतनी करने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर फ़िल्टर, यहाँ पर वीडियोज़ है, तो उसके बाद में सिंपल यहाँ पर वीडियो की कोडिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर वीडियो की साइज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप साइज़ कम करना चाहते हैं। उसके बाद में आप सबटाइटल अगर चाहते हैं तो सबटाइटल रख सकते हैं। उसके बाद में सबटाइटल आप डिलीट भी कर सकते हैं, या उसके बाद में ऑडियो फॉर्मेट अगर आपका AAC है तो आप उसे भी कम कर सकते हैं, MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबटाइटल मैं निकाल ही देता हूँ। यहाँ से सबटाइटल सिंपली आप यहाँ से क्लियर कर दीजिए। उसके बाद में आप अगर चाहते हैं तो ये जो है कैप्चर ये रहने दीजिए सिंपली। उसके बाद में अगर देखा जाए तो उसके बाद में आप कहाँ पर कौन से फोल्डर में से रखना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पर ब्राउज़र करिए, आप जो भी फोल्डर रखना चाहते हैं। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर उसका नाम डालिए, जो भी फाइल का आप नाम चाहते हैं, सिंपली उस पर सेव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टार्ट एनकोडिंग, उसके बाद में MP3 MKV भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, उसके वजह से भी साइज़ पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर एनकोडिंग स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपकी एनकोडिंग स्टार्ट यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर एनकोडिंग स्टार्ट हो रही है, तो कुछ इस तरीके से आप फाइल की साइज़ कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हो, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।